हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाएंगे टमाटो सॉस। टमाटो सॉस बनाने के लिए मैंने लाल लाल टमाटर ले लिए हैं। ये मैंने 12 टमाटर लिए हैं और अब हम इन्हें काट के कुकर में डालेंगे। मैं इनको दो हिस्सों में इस तरह से काट के कुकर में डाल रही हूँ। कुकर में हम इसे इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हमें टमाटर को उबालना है। टमाटर को उबालने के लिए हम कुकर में 3 सीटी लगाएंगे। देखिए, सभी टमाटर के पीसेस को मैंने कुकर में डाल दिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसमें 3 सीटी लगाएंगे। देखिए, टमाटर उबल चुके हैं और इन्हें मैंने एक बर्तन में निकाल लिया है। अब हमें टमाटर को पीसना है। टमाटर को पीसने के लिए मैं हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे मिक्सी में भी पीस सकते हैं। टमाटर को पीसने के बाद अब हमें इसे छानना है। उसके लिए मैंने ये बर्तन लिया है और छलनी, और टमाटर के इस पल्प को, ये जो हमने तैयार किया है पीस के, इसको हम इसमें डाल के छान लेंगे। जैसे होता है कि कभी हमारा सॉस खाने का मन कर रहा है और सॉस घर पर नहीं है, तो इस वीडियो को देख के आप आसानी से अपने घर पर टमाटो सॉस बना सकते हैं। और क्योंकि ये घर की बनी हुई है, ये बिल्कुल होममेड है और फ्रेश टमाटो से आपने इसे बनाई है, तो ये आपके लिए बहुत हेल्दी भी रहेगी। इसमें बाज़ार के कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, कोई केमिकल्स नहीं है। सॉस को बनाने के बाद आप इसे एक हफ्ते के लिए अपने फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। और अगर आपको सॉस लंबे समय के लिए स्टोर करनी है, तो इसके लिए एक केमिकल आता है, सोडियम बेंजोएट। वो आप सॉस में डाल देंगे तो आपकी सॉस लंबे समय तक ख़राब नहीं होगी। केमिकल का नाम स्क्रीन पे भी है और इसे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखा है, तो आप इसे वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। ये केमिकल आपको एक चुटकी डालना है सॉस को बनने के बाद। इसको डालने के बाद आप सॉस को लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे जिससे कि मटेरियल जो है ये अच्छी तरह से छन जाए। और इसको छानने के बाद अब हम सॉस को पकाएंगे। सॉस को पकाने के लिए मैंने इस बर्तन को गैस पर रखा है और अब इसमें हमें एक उबाल देना है, तो आप गैस को तेज़ करके इसमें एक उबाल दे दें। ये बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको सॉस बनाना सिखा रही हूँ। कि कभी आपके घर में टमाटर ज़्यादा हो तो भी आप इसे बना सकते हैं, या अगर आप बाज़ार की सॉस नहीं खाना चाहते तो भी आप ये सॉस बना सकते हैं। तो देखिए, इसमें उबाल आ गया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। आप अपने स्वाद के अनुसार डालें नमक। अब इसमें डालेंगे आधा कटोरी चीनी और अब आप गैस को धीमी कर दें। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। इसके बाद हम इसमें डालेंगे रंग वाली मिर्च। रंग वाली मिर्च डालने से इसका बहुत ही अच्छा सा कलर आएगा, तो मैं इसमें 1 चम्मच ये रंग वाली मिर्च डाल रही हूँ, जिसे कश्मीरी मिर्च भी कहते हैं, देगी मिर्च भी कहते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें और इसे धीमी गैस पर 10 मिनट के लिए पकाएं। इसको मिक्स करने के बाद अगर आपको सॉस का कलर लाइट लग रहा है, तो आप इसमें थोड़ी सी देगी मिर्च और डाल सकते हैं। देगी मिर्च का डलना डिपेंड करता है कि आप कितनी क्वांटिटी में सॉस बना रहे हैं, कितने टमाटर आपने लिए हैं। तो अगर आपको कलर लाइट लग रहा है तो आप उसमें देगी मिर्च ऐड कर सकते हैं। सॉस को पकाने से जो इसकी कंसिस्टेंसी है उसमें थिकनेस आएगी और जो भी हमने इंग्रेडिएंट्स इसमें डाले हैं उनका फ्लेवर और भी अच्छा आएगा। तो देखिए, सॉस को पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच वाइट विनेगर और इसे अच्छे से मिक्स करके अब हम गैस को बंद कर देंगे और सॉस बनकर बिल्कुल तैयार है। तो आप ये टमाटो सॉस ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप और भी नई नई इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ अपने घर पर बना सकें।